जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, कमजोर होता जा रहा है। रुपए की कीमत में गिरावट पर कॉमेडियन ने पीएम मोदी का पुराना बयान चला दिया, एंकर हो गए बुरी तरह ट्रोल। डॉलर के मुकाबले रुपया गिरकर रिकॉर्ड निचले स्तर पर आ गया है, लेकिन जब पीएम मोदी विपक्ष में थे तो उन्होंने इस मुद्दे पर यूपीए पर निशाना साधने के लिए हर मौके का इस्तेमाल किया। पीएम मोदी का वीडियो भी सुर्खियों में आ गया है, जिसे कॉमेडियन कुणाल कामरा ने कटाक्ष के रूप में अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है। इतना ही नहीं, वायरल वीडियो में न्यूज एंकर सुधीर चौधरी भी रुपया गिरने के फायदे बताते नजर आ रहे हैं, जिनको लाफ्टर चैलेंज से जोड़कर एक मीम बनाया गया है। रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। वीडियो इंटरनेट पर वायरल है और जनता ने भी इस पर टिप्पणी की है। एक ट्विटर यूजर ने लिखा, सुधीर चौधरी मुझे नहीं समझ आ रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, लेकिन एक मीडिया पर्सन होने के नाते ये मुझे काफी आपत्तिजनक टिप्पणी प्रतीत हुई। एक अन्य ट्विटर यूजर ने लिखा, सुधीर चौधरी आपने बिल्कुल सही लॉजिक लगाया है इसमें। एक और ट्विटर यूजर लिखते हैं, बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और सोई हुई जनता काफी है देश को बर्बाद करने के लिए। वहीं एक और यूजर ने एंकर सुधीर चौधरी से पूछा, सुधीर चौधरी जी आपको इस व्यक्ति पर केस करने से कौन रोक रहा है, आपकी क्या राय है इस खबर को देखने के बाद? हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हर खबर की अपडेट आप तक पहुँचे।